Hello students, today I am going to teach you how to make a paper snail with the help of glazed paper, floors and sheet. So watch my video carefully. सबसे पहले हमें स्नेल बनाने के लिए पेपर स्नेल बनाने के लिए नीड होगी A4 साइज फ्लोरोसेंट शीट. कोई भी कलर ले सकते हैं आप, फ्लोरोसेंट कलर, जैसे आपको ये दिख रहा है लेमन कलर, इसमें ऑरेंज, ब्लू, पिंक, रेड, कोई भी एक कलर ले लीजिए आप. तो हमें चाहिए इसमें एक फ्लोरोसेंट शीट और एक चाहिए हमें पेस्टल शीट. सो मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना, आप अच्छे से ध्यान से वीडियो देखेंगे. सबसे पहले हमें पेंसिल से ड्रॉ करना है स्नेल का बॉडी, ड्रॉ करनी है लोअर बॉडी ड्रॉ करनी है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फेस ड्रॉइंग से स्टार्ट करते हैं. यहाँ से ये पेंसिल से ऐसे ड्रॉ करना है. यहाँ से हमने ऐसे पेंसिल लेकर आनी है. ड्राइंग कंप्लीट हो गई हमारी, इसमें अब ड्राइंग कंप्लीट हो गई हमारी. अब हम इसे ब्लैक मार्कर से आउटलाइन करेंगे, ब्लैक स्केच पेन से करेंगे आप लोग. लोअर बॉडी हमारी रेडी हो चुकी है स्नेल की. अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, सीजर से हमें कट करना है इसको. अभी हमने कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, बॉडी लोअर बॉडी कंप्लीट हो गई है. अब हम शेल प्रिपेयर करेंगे, शेल बनाएंगे. अभी हमने सर्कल कट कर लेना है, शेल बनाना है इसे. हमने स्नेल के ऊपर हमें इसे ऐसे दिखाएंगे अभी. तो इसके शेल के लिए, शेल बनाने के लिए हम A4 साइज पेस्टल शीट लेंगे. उसमें हार्डनेस होती है, हार्डनेस की वजह से 3D लुक आएगा हमारे स्नेल में. ये रेड सर्कल लिया है हमने, तो हमने ये देखिए, ये सर्कल हमने ऐसे स्पाइरल कटिंग करनी है इसकी.
ये हमने स्पाइरल कटिंग कर ली है। रेड हमने शेल लिया था स्नेल का, तो हमारा कटिंग हो गई है उसकी, रेडी कर लिया है मैंने। तो इस तरह से उसको स्पाइरल कटिंग करनी है उसकी। और ये वाला पार्ट है मिड पार्ट इसका, उसको ऐसे ऊपर उठा हुआ दिखाना है आपको इसको। तो ये वाला, ये जहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी सर्कल कटिंग की, ये वाला पार्ट हमने हाइड करना है। ये स्नेल की बॉडी इसके ऊपर रखना है और इसको पेस्ट करना है हमने। इस पार्ट पे हम फेविकॉल लगाएंगे। ये हमने पेस्ट कर लिया है, शेल भी पेस्ट हो गया हमारा। इस तरह से हमने पीछे बैक साइड ये वाली लिया है, इस साइड हमने फेविकॉल लगाना है। ये देखिए, ये हमारा स्नेल पेपर 3D स्नेल रेडी हो गया है। तो इसमें अभी हम स्नेल का हेड पर एंटीना लगाएंगे इस तरह से, लाइक दिस। ये देखिए, इसको भी हमने पेस्ट करना है, फेविकॉल से पेस्ट करना है। आइस के अपर पार्ट, दोनों आइस के ऊपर इसको पेस्ट करना है। ये देखिए इस तरह से, ये स्नेल हमारा रेडी हो गया है। बस अब हमने थोड़ा सा डेकोरेट करना है, शेल डेकोरेट करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पर छोटे छोटे सर्कल्स दिखाऊंगी आपको। इस तरह से आप डेकोरेट करेंगे इसको। इस तरह से डॉट डॉट दिखाना है आपको शेल में। और हम यहाँ पर एंटीना साइड यहाँ पर भी डॉट डॉट दिखाएं, यहाँ पे सर्कल दिखाएंगे ब्लैक। ये रेडी हो गया है हमारा स्नेल, रेडी हो गया है बनकर। आप भी घर पर ट्राई करिए। स्नेल बनकर रेडी हो गया है हमारा। ये देखिए यहाँ से इस तरह से 3D स्नेल, इसकी शेल होगी, ये 3D होगी।